अनीता क्या झाड़ू मारे गया, चार दिन मेहनत के बाद पूरा खत्म हो गया। अरे देखो डोली में बिठा कर का लेके जा रही है। अनीता बैठी है ऊपर, ये हमारा घर है। अच्छा नहीं कर रहे लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा कर रही है। वो मेरा हालात खराब हो पेंट कर कर। फोन मतलब वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो रही, फोन की क्वालिटी अच्छी है तो वीडियो भी ज्यादा हो खा रही, नेट खा रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनीता बघेल, स्वागत आपका दे भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 9:30 बजे से। दोस्तों कर लिया हमने नाश्ता पानी और कलर भी हमारा हो चुका है और अब बचा है पेंट वगैरह, तो पति देव आज पेंट करेंगे। तो हो गई हालत खराब, उनकी हालत क्या करें, बुलाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना काम। देखो मेरा हालात खराब हो पेंट कर कर। तो पति देव आज पेंट करेंगे और मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी ना हेल्प। तो वैसे मेरे लिए ऐसे बोल रही है तू मत कर बा, तो करना तो पड़ेगा, मेरे को भी हेल्प तो करनी पड़ेगी। मतलब कोई नहीं है आजकल, 10वीं और 12वीं वालों के तो फिर ठीक हाल चल रही है आजकल, और इस कारण ना कोई नहीं है, मतलब घर में सब स्कूल गए हैं तो इसलिए मेरे को भी पतिदेव की हेल्प करनी पड़ रही है। तो चलो काम करने से तो वैसे कोई छोट नहीं होता है, तो इसलिए मैं उनकी हेल्प करने पे लगी हूँ थोड़ी थोड़ी। तो अकेले ही है बेचारे, यहाँ से भी देवर जी स्कूल गए हैं और देवर जी की क्या बस की है काम करने की, बस पति देव है जो करने वाले हैं काम, मतलब हमारा क्या बोलते हैं उसे लीडर। तो हमारे परिवार का ना मीन आदमी है मिस्टर जी, मतलब पति देव जी, और अभी पोचा लगाने से लग गई उसे, मैं खुद करती हूँ यार आप मत करो, तो मैं इनकी हेल्प करती हूँ। ब्लॉगर साहब को नहीं बोलेंगे, ब्लॉगर साहब को नहीं बोलेंगे, चेयर पे बैठा के रखो दोस्तों, ऐसा बोलना कमेंट में पति देव को चेयर पे बैठा के रखना मत ब्लॉगर साहब को। मैं काम नहीं करती हूँ बोलिए, बोलते हैं कौन बोलता, मैं कब बोला काम नहीं। तो मिश्रा जी पेंट पेंट हो गया कर रही है, तो ऐसा मैं करूँगी, तो आप इन पर सिल्वर पेंट करो आप, उसे करती हूँ मैं, तब जाके होगा जल्दी जल्दी काम। चॉकलेट और रस चॉकलेट और रस तो पति देव तो पहली बार कर रही है मेरे क्या पेन है ना, तो पहली बार मतलब कंफ्यूज हो रही है, अच्छा नहीं कर रही है लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा कर रही है, और उनके हिसाब से हो अपने हिसाब से बोलो मैं अच्छा नहीं कर रहा, तो हम तो अपना घर पे करें ना, हम थोड़ी सी दिहाड़ी में अपने को अपना घर सजाना बस, ऐसा भी करके घर को चिटकला मिटकला बनाना है, जैसे पहाड़ ऊपर चलते हैं ना चिटकला मिटकला। तो देखे दोस्तों लादी है हमने मतलब मामा जी के लिए नाश्ता पानी, और अभी ये नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं दूसरे मामा जी, मतलब यहीं के हैं, और वाले मेरे मतलब मेरी ननद के ससुर जी है। तो दोस्तों एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, और हमारे घर आए थे मतलब मेरे सब्सक्राइबर यानी कि मेरी ननंद के ससुर जी, यानी कि ननंद के ससुर जी जो बनने वाले हैं, और वो आए थे हमारे घर, और अभी तो वो लोग नाश्ता पानी कर रहे थे और चले भी गए हैं सीधे डायरेक्टली अपने ऋषिकेश में। तो वो लोग आए कल, और कल तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और इसलिए मैंने थोड़ा ही निकाला उनकी वीडियो सुबह नाश्ते करते टाइम, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। तो पति देव तो कर रही है पेंट वगैरह, तो दिख नहीं रही है अभी, अभी नीचे बैठ गए हैं, नीचे बैठे बैठे कर रही हैं पेंट। तो चलो दोस्तों पहले पेंट वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि कैसा जच रहा है हमारा घर, और अभी दिखने लग गए हैं पति देव थोड़ी थोड़ी। तो मैं भी अब ये काम करती हूँ क्योंकि मैंने सोचा पति देव पेंट वगैरह करेंगे और मैं तब तक दूसरा काम करती हूँ फटाफट से, क्योंकि काम भी जल्दी जल्दी निपटाती हूँ, और जो हमारा की भैंस का ओबरा है और उसे ना मैं लिपती हूँ, और उसके बाद ना वहाँ सामान वगैरह आएगा हमारा राशन पानी का, तो पहले उसे लिप लेती हूँ और उसके बाद मिलती दोस्तों सीधा आप लोगों को।
तो देखे दोस्तों आ रहे थे की पापा जी कर रहे हैं पर पेंट और आ रहे थे बोल रही मेरे को दे फोन और फोन के लिए आ रही देखा। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से लगा दी है सीढ़ियों पर पेंट वगैरह, तो अभी पतिदेव वहां पर लगा रहे हैं और पूरे मकान पर तो लगभग लग ही चुका है और सिल्वर पेंट बचा है ना अब लगाने के लिए, तो हो करेंगे हो। दोस्तों पतिदेव पेंट है तो हम क्या हम लिपाई मास्टर तो आज ना मैंने नहीं किया पेंट, आज मैंने लिपाई की और देखो ये लिपा है मैंने यहाँ पर और जहाँ हमारी भैंस रहती थी जिस कमरे में वो लिपा है। तो पतिदेव अब मारीगढ़ वाली भाषा में उसे कहते हैं खादरा, तो उसमें कुछ ऐसा डिजाइन बना रही है खादरे जैसा। तो दोस्तों अभी हो गया हमारा खाना पीना और आसमान मतलब मौसम भी अभी थोड़ी बहुत खराब होने लग गया है और अभी आसमान में बादल लगे और पति जी ने खाना खाया और फिर से पेंट करने पे लग गए हैं। तो सांस भी फूल रहा है तो किस कमरे में घूम आ रहे थे कि पापा जी इस वाले कमरे में। हाय हाय पापा, ये पापा मेरे को थकान हो गई है आज रोती है पापा का फोन केवल मम्मी के पास। तो देखे दोस्तों पतिदेव कैसे बाल बना रहे बड़े स्टाइल से और अभी पेंट से लतर पतर हो रहे थे और अभी देखे कैसे बाल बना रहे स्टाइल मार के देखो अभी मेरे को नहीं देख रही बस अपने बालों ही पे लगे हैं देखने पर। देखे शाम के 5 बज गए और खाना पीना भी हमने खा लिया और पतिदेव रेडी सेडी हो गए हैं और हो जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने, मतलब वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो रही फोन की क्वालिटी अच्छी है तो वीडियो भी ज्यादा वो खा रही नेट खा रही है ना तो हाँ। इसलिए ना पतिदेव वीडियो अपलोड करने जाएंगे और हमारे घर पे बिल्कुल नहीं हो रही वीडियो अपलोड क्योंकि नेट बहुत कम है उस हिसाब से। तो पतिदेव वो ही जा रहे हैं नेट मतलब वीडियो अपलोड करने तो ये चाहेंगे वीडियो अपलोड करने हाँ तो ये जाएंगे मेरा फोन आए पतिदेव में है मेरा फोन तो पहले वाला फोन ही है मेरा हाँ गरीब रेखा वाला फोन है तो पहले वाला फोन अब वाला तो ये है। तो अब पतिदेव चलते हैं घर जाते हैं और उसके बाद वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ तो ना तो नेटवर्क है जल्दी आना शाम का टाइम हो गया जल्दी आना अब टाइम भी तो 5 बज गए हैं 6:30 बजे तो रात पड़ती है थोड़ा भी टावर नहीं है शाम का टाइम देखो मौसम भी खराब हो गया पूरा अनीता क्या झाड़ू मारे गया और 4 दिन के बाद 4 दिन मेहनत करने के बाद हमारा पेंट भी हो गया है अभी सिल्वर पेंट बचा है ना अभी सिल्वर पेंट बचा है वो कल हो जाएगा बाकी 4 दिन मेहनत के बाद पूरा ख़त्म हो गया। पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरह है आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ख़राब है बर्फ गिरने वाली है। क्या ले तुम क्या माता माँ तो देखे दोस्तों ये आ रहे थे डोली में बिठा कर का लेके जा रही है मतलब अभी आराध्या और आराध्या की बुआ बैठी है अब दूसरी बुआ की बारी है अब देखो इनको ना शादी करने की बहुत जल्दी लग गई डोली में बैठने की आराध्या डोली में बैठ गई अनीता बैठी है ऊपर ये हमारा घर है।
फोन भी है खाना था। तो दोस्तों आ गए हम और खाना पीना भी हमने खा लिया है और पति देव भी सो रहे हैं, आराधी को भी नींद आ गई है। तो मतलब पति देव तो अभी अभी आ रहे हैं, उस टाइम में रोटी बना रही थी और इनकी ना वीडियो ही अपलोड करके नहीं आई, खाली आ गई खाली हाथ। और मतलब कल मैंने वीडियो पब्लिक करनी थी और कैसे करें नेटवर्क है ही नहीं या गोला नहीं कसम से, नेटवर्क का ना बहुत प्रॉब्लम है। तो एक नेटवर्क लग जाता यहाँ तो अच्छा था, लेकिन लगेगा नहीं, क्या पता लगेगा कि नहीं लगेगा। वीडियो 4K में लोड हो गया ना, वही तो 4K में लोड की है इन्होंने इसीलिए नहीं हो रहा, तो देखेंगे दूसरी। चलो दोस्तों आज की इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए हो, ब्लॉग पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनिता बघियाल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।